A very good morning, students. Section E part 34, electrostatic, ये तो सब दिया हुआ है. हमें कुछ answers करने. Answer number, question number one. Consider uniformly charged thin conducting shell of radius r. Okay. तो हम यहाँ पे conducting shell बना लेते हैं. इसकी radius कितनी है? R है. कितनी R? Capital R है. ठीक है, दिया हुआ है. Plot a graph showing the variation of electric field with the distance r from the center from zero to this. तो देखिए ये center है और हमें electric field की direction बतानी है. Graph. Okay. तो मैं pen दूसरा use कर लेती हूँ. इस direction में let's say हमारी electric field इस direction में है और इस direction में हमारा क्या जा रहा है? R जा रहा है. देखिए अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है और कंडक्टिंग शेल है तो कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. यानी अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो 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 टिल सरफेस पे. ये देखिए ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस है. यहाँ पे ये यह यहाँ पे हमारा जीरो है. ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड देन एज इट कम कहाँ से कहाँ तक हमें निकालनी है? थ्री आर, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जा रही है. ये आर है तो ये वन आर, ये वन आर है, ये टू आर, ये थ्री आर. तो लेट्स से यहाँ पे हमारा आया थ्री आर. तो यहां तक आपको बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है. करेक्ट. हमारे पास एक फॉर्मूला भी आपको याद होगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर. करेक्ट. ठीक है, तो R की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू घटेगी. ये देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. तो ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया और यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो. इनसाइड द शेल कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यहाँ पे ई इज इक्वल टू जीरो. तो इसलिए जीरो 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 एंड देन दिस ग्राफ. चलिए बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में उन्होंने पोटेंशियल वर्सेज वन बाई आर के बीच में ग्राफ देके रखा है. तो पहले थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन करूं फिर ग्राफ देखते हैं हम लोग. ठीक है, हमें बचपन से बताया गया है कि जो पोटेंशियल होता है वी, वी की जो वैल्यू होती है, दिस इज द पार्ट बी. V इज इक्वल टू होता है K Q बाय R. करेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये 1 बाय R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर मैं इसको यहाँ के यहाँ पे कर दूं तो V R इज इक्वल टू K Q हो जाएगा. करेक्ट. अब यहाँ पे देखें उन्होंने पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय R का ग्राफ देके रखा, यानी ये वाला. ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, V और इसका स्लोप निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हम V अपॉन 1 बाई आर का स्लोप निकालेंगे. V अपॉन 1 बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा होना चाहिए. ठीक है, अब ये V डिवाइडेड बाई 1 बाई आर, ये V डिवाइडेड बाई 1 बाई आर है. मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 बाई आर, और ये तो टेन थीटा के बराबर है. अब स्टूडेंट्स डिवाइड में ऐसा होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे की चीज रिवर्स हो जाती है. तो कहने का मतलब V इंटू आर इज इक्वल टू टेन थीटा होगा. करेक्ट. अब फॉर दिस ग्राफ जहां पे पोटेंशियल इसका देखिए, गौर से देखिएगा, इसका पोटेंशियल Q1 है. अगर इसका पोटेंशियल यहाँ पे V1 है लेट सपोज, और इसका यहाँ पे जो R है लेट से इट इज R1 बाई R1 के बराबर है. ठीक है, एंड लेट से दिस वन इज Q2, तो इसका जो है वो 1 बाई R टू के बराबर है. तो इसका जो पोटेंशियल है लेट्स से इट इज इक्वल टू वी टू के बराबर है. तो हमने क्या देखा, इसका जब स्लोप निकालने गए, क्योंकि स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ये वाई और डिवाइड में एक्स है, बराबर है. तो वाई बाई एक्स हमारा टेन थीटा के बराबर होता है. तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के तो ये तो वी इंटू आर है. तो फॉर दिस, फॉर क्यू वन के लिए, फॉर क्यू वन के लिए वी वन और आर वन हो जाएगा. फॉर क्यू वन, Q1 के लिए कितना हो जाएगा? V1 और R1, है ना. V ये हमने जनरलाइज निकाल दिया. अब हम पुट करते जाते हैं तो V1 R1 जो कि किसके बराबर होना चाहिए? K Q1 के बराबर. K इज द, K इज क्या है? K मैं हमेशा लिखती हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ठीक है, अब मुझे बताइए K Q1 होगा तो यहाँ पे V R 10 थीटा के बराबर है. तो V1 R1 10 थीटा, इसमें थीटा कितना है? इस Q1 के लिए जो थीटा है वो 60 डिग्री है. तो इसकी जगह मैं 10 थीटा रख दूं, दैट इज 1060 विच इज इक्वल टू के क्यू वन. इसको एक नहीं अभी नहीं देते. 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री. तो इसको मैं के क्यू वन नाम दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन वन नाम दे दू. अब मुझे बताइए यहाँ पे सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए वी टू और आर टू हो जाएगा. ठीक है, तो वी टू
आर टू इज इक्वल टू वी इंटू आर टेन थीटा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा टेन थीटा टू, और टेन थीटा की वैल्यू फॉर दिस कितनी है 30 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 30 डिग्री। अब मुझे पता है यहाँ पे वी टू आर टू रखूंगी तो के क्यू टू आ जाए, टेन थर्टी इज इक्वल टू के क्यू टू के बराबर, मतलब वी टू आर टू के क्यू टू के बराबर, और यही टेन थीटा के भी बराबर है, और टेन थीटा की वैल्यू आती है 1/√3 विच इज इक्वल टू के क्यू टू, करेक्ट है। अब मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, मतलब हम क्या करते हैं वन डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं। गौर से देखिएगा, मैं वन और टू को डिवाइड करने जा रही हूं, तो रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू इन दोनों का अगर मैं डिवाइड करूं तो के क्यू वन और के क्यू टू के बराबर आएगा, क्योंकि रूट टू किसके बराबर है, के क्यू वन, ये किसके बराबर है, के क्यू टू, तो ये ऊपर जाएगा तो थ्री हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री, ये रूट थ्री थ्री हो जाएगा, और यहां से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू वन और Q2 की वैल्यू आ गई। तो उन्होंने यही पूछा हुआ है, फाइंड Q1 अपॉन Q2, तो Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर आ गया 3:1 के बराबर, ठीक है, मतलब Q1 अपॉन Q2 आप क्या लिखेंगे 3:1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस इज कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सच दैट द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात, आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से अवे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में लेट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है, उसने बोला है कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अदरवाइज वो एंटी पैरेलल बोलते हैं, करेक्ट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो नो डाउट यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से इट इज इक्वल टू 2L, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस पी डॉट ई होता है, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, करेक्ट। अब वो मुझे बताइए थीटा कितना है, 0 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस पी ई, बिकॉज थीटा इज 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा यू, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पी डॉट ई, तो पी की वैल्यू उन्होंने दी है, डाइपोल मोमेंट जो है 6×10⁻⁷ है, तो माइनस ऑफ 6×10⁻⁷, और जो मेरा ई है वो 10⁴ है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 6, 7 में से 4 गए कितने बचे, 3 बचे, है ना, साथ में से 4 के माइनस 3 बचे, ओके। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स इट इज इन जूल्स, तो ये आ गया हमारा सी पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।